लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hey Shakti, that's cool. What? Those people with the sticks there? You want to take some pictures? Yeah. Come. छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। अरे संभल के, संभल के। ये आप इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? वो अनीता को फोटो खींचनी, फोटो। अरे फोटो खींचने के चक्कर में कहीं फोटो ना बिगड़ जाए। आप जानते नहीं, ये बल्ली ठाकुर के खेत है। आप अपनी तरफ चलिए। आओ शक्ति ठाकुर, आओ। फोटो खींचनी का, खींचो खींचो। याद है बचपन में हम लोग लाठी चलाते थे? हाँ अच्छी तरह याद है। एक आध दाव हो जाए। हरगिज नहीं। सरकार इसकी बातों में मत आइए, ये नौकर लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। ए, तू चुप रहेगा कहाँ? डरो मत शक्ति ठाकुर, हम लड़ेंगे नहीं, खेल की तरह खेलेंगे। डर की बात नहीं है, मुझे थोड़ा काम है। कम समझा, छुकरिया के सामने इज्जत नहीं खोना चाहते। इसको बोलो फोटो खींच कर चली जाए, फिर हम दिखाते तुम्हें लाठी के पैतरे, उसके बाद तुम दिखा देना। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? सुरखिया, अगर तुम जिद कर रहे हो तो दो हाथ हो ही जाए। नहीं नहीं सरकार, मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। खेल के मैदान से खेले बिना नहीं जाते सुखिया। ये हुई ना बात, पर पतलून में लठबाजी करोगे? सुरखिया अपनी धोती दे। क्या मांग रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। अपनी धोती दे। छोटे सरकार, मेरी भाभी देता है क्या? खींचो छोटे सरकार। मेरी कोई बात नहीं, सुनिए। लाठी नापने से कहा होगा, खुद में दम होना चाहिए। इतने बरसों के बाद भी तो लाठी के खेल में कच्चा है। रोज अच्छी तरह प्रैक्टिस किया कर। निकल गई उसकी सब एकड़ी। अब मेरी धोती दे दीजिए सरकार। छोटे सरकार, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अबे ओ छछुंदर, पीछे से वार करता है तेरी तो। मर्द के खेल में चोट तो लगेगी, बिना चोट लगे खेलना हो तो इमेन से खेलो। मंदिर हमारी कुलदेवी का है,
You mean this is your family temple? Yeah. जी हाँ, वही वही temple. मंदिर छोड़िए छोटे सरकार, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप छोड़ के गए थे. चलिए ना कहीं और चलते हैं. अरे कमाल करते, मुझे देखना. अरे देखना है तो यहीं से देखिए ना. बहुत अच्छा दिखता है. वाह 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 वाह, वही माँ की बोली सूरत, वही माँ की मूरत. मुझे भी तुझे देखे बरसों हो गए. प्रणाम मैया, तुझे देखने आए शक्ति भैया. क्या कहा, वहीं से आशीर्वाद दे रही हो इनको? दे दिया, दे दिया. चल, अरे अरे तू कहाँ जा रहा, तू कहाँ जा रहा? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल. चल दरवाजा खोल. दरवाजा कैसे खोलूं सरकार, आप ये दो दो ताले नहीं देख रहे? छोटा ताला छोटे ठाकुर का और बड़ा ताला बड़े ठाकुर का. क्या मतलब? 5 साल पहले दोनों भाइयों की आपस में ठन गई. भरी पंचायत में दोनों एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटने लगे. दोनों तरफ से गालियां चली, लाठियां चली, और वो सब किस लिए कि ये मंदिर किसका है? फैसला तो हुआ नहीं कुछ, और बेचारी देवी माँ अंदर बंद हो गई. कुसूर करे इंसान और सजा भुगते भगवान. चले. हाँ तू घर जा और बाबूजी से ताले की चाबी ले आ. चाबी? हाँ. अरे बाबूजी की चाबी से अपना ताला तो खुल जाएगा, लेकिन उन लोगों का ताला कौन खोलेगा? तू कुछ भी कर मगर ये दरवाजा खोल. आप कुछ भी करवा लो मगर ये दरवाजा खोलने की बात जाने दो. बस इतनी सी बात पर ढीला पड़ गया? कहाँ तू कहता फिरता था कि छोटे सरकार हम तुम्हारी खातिर अपनी जान दे सकते हैं? जान तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, मगर ये मंदिर का मामला बड़ा पेचीदा है. ये सब बहाने हैं सुरखिया. मैं ही बेवकूफ था जो अनीता को कह बैठा कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरते. तूने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी. मगर सरकार मेरी बात मत कर मुझसे. मैं 1 मिनट में आया. अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो रहने दो शक्ति. अरे रहने कैसे दे डार्लिंग, तुम्हारे लिए मंदिर देखना बहुत जरूरी है. क्यों? इसलिए कि हमारी शादी इसी मंदिर में होगी. Really? Then I must see it. छोटे सरकार जरा यहाँ आइए, जरा यहाँ खड़े रहिए, मुंह उस तरफ फेर लीजिए, उस तरफ जरा ऐसे रहिए. मल जपो का धातुर की धारप परी मल जपो, मल जपो का धारप परी मल जपो, मल जपो का धातुर की धारप परी मल जपो. अब खड़े क्या है, जल्दी दर्शन करके आइए ना, वो भी पैसेंजर गाड़ी की तरह नहीं, फटाफट सुपर फास्ट ट्रेन की तरह. यहाँ हमारी शादी होगी, यहाँ सेंटर में एक हवन कुंड होगा. लग दे सो भैया. व्हाट कुंड? हवन कुंड. तुम मुझे जूते पड़ाओगी एक दिन. हवन कुंड जिसमें आग जलती है, जिसके इर्द गिर्द हम 7 फेरे लेंगे और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करेंगे. क्या सोच रही थी? कुछ नहीं. I don't want to go. मत जाओ, मैंने थोड़ी कहा तुम्हें जाने के लिए. रुक भी तो नहीं सकती, वहाँ डैडी इंतजार कर रहे होंगे. अभी लग रहा है यहाँ. रोना तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये दाढ़ी और आंसू का कॉम्बिनेशन बहुत अजीब है. वेरी फनी. ओ गॉड, क्या मुसीबत है, बंद भी नहीं हो रहा ये. I'll miss you, शक्ति. When I'll miss you. कब आओगे तुम? जल्दी आऊंगा, बस 10-20 दिन बाबूजी के साथ रहकर. 20 दिन? मेरा मतलब 10 दिन बाबूजी को मनाने की कोशिश करूंगा और जैसे ही परमिशन मिलेगी उड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा. ओके? ना कहना किसी को. मैं सूटकेस बंद कर रहा था. बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं. बस हम दोनों नीचे आ ही रहे थे. उन्होंने सिर्फ तुम्हें बुलाया है. मुझे नीचे बुलाया. अनीता, नॉट नाउ, नॉट नाउ. आया बाप, आया. अरे आया बाबूजी. आपने मुझे बुलाया बाबूजी? तुम मंदिर गए थे? जी हाँ. क्यों? वो अनीता को कुलदेवी के दर्शन करवाना चाहता था. इसलिए तुमने वहां का ताला तोड़ डाला. मैंने सुरखिया से कहा था कि तू चाबी लेकर आ जा, मुझे क्या मालूम था कि वो ताला तोड़ देगा. मतलब ये कि जब ताला तोड़ा गया तो तुम वहां हाजिर थे?
जी बाबूजी, बाबूजी हम क्या अपने मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जा सकते? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन वाह कंवर साहब, आपने बड़ी मेहरबानी की मुझ पर जो अपनी गलती मान ली। मुनीम जी, सरकार उनसे जाके कहिए कि झगड़ा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, अगर वो चाहें तो मैं पंचायत में आकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। बाबूजी आप क्यों? तुम चुप रहो, तुम्हारे बचपने की वजह से गांव में कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है जानते हो? तुम्हारे क्या है? मैं जा रही हूं। क्या? मैं घर जा रही हूं। हाँ बाबूजी, आपको मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में बाद में बात करेंगे। मुनीम जी सुर्खिया कहाँ? सुर्खिया आज नहीं आएगा, तुम जाके इसे छोड़ के आओ। छोटे सरकार पक्की सड़क से न जाइएगा। पक्की सड़क से नहीं जाऊंगा तो घूमकर जाना पड़ेगा। वो जो कुछ कह रहा है तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? वहां से जाओगे तो तुम्हारी शान में फर्क पड़ जाएगा, इसकी बात मान लोगे तो? इस रास्ते से मत जाइए छोटे सरकार, घूमकर पुलिया वाले रास्ते से चले जाइए। शंकर बात क्या? दरअसल बात ये छोटे सरकार कि हमारे आदमियों ने बल्ली ठाकुर के लठैतों की झोपड़ी में आग लगा दी, इसीलिए वो लोग मरने माने पर तुले हैं। आग लगा दी? क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की? तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे जबकि मंदिर का दरवाजा खोलने पर उनके गुंडों ने बेचारे सुर्खिया का हाथ काट डाला। हाथ काट डाला? वो है कहाँ? अस्पताल में, खून बहुत बह गया लेकिन बच जाएगा, आप फौरन यहाँ से चले जाइए। पता नहीं आदमी इंसान कब बनेगा। शक्ति अपना ख्याल रखना and don't get involved in any problems, okay? हाँ। I love you. Bye. 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 Take care. Bye. Take care. Bye. 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 ओह गॉड, प्रॉब्लम सरकार। आइए छोटे सरकार, सुर्खिया दो सुर्खिया, देख छोटे सरकार आए हुए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं छोटे सरकार, अभी अभी सरकार आए थे, उन्होंने डॉक्टरों से कहा है कि सुर्खिया उनका खास आदमी है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। काट डालूंगा, सर को छोड़ूंगा नहीं, हाथ में आया तो। छोटे सरकार मुझे जरा उठाओ। लेटर है छोड़ो ना इसे। क्या बताऊं छोटे सरकार, उस हरामजादी की वजह से मैं आप दोनों को टेस्ट से नहीं पहुंचा सका। जैसे ही घर से निकला सुसरे ने पीछे से आकर हाथ ही काट डाला, लेकिन मैं भी उसको छोड़ने वाला नहीं था, उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन खून इतना निकल गया था कि रास्ते में भाभी जी टेम्पर स्टेशन पहुंच गई थी ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सुर्खिया, मुझे माफ कर दे। अरे छोटे सरकार ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप क्यों फिक्र करते हैं छोटे सरकार, उस जसवंता से तो मैं निपट लूंगा। कौन जसवंत? वही मल्ली ठाकुर का पालतू कुत्ता, ये हाथ उसी कमीने की तलवार से काटा है। आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते छोटे सरकार, यहाँ इंसाफ या तो पंचायत करती है या ऊपर वाला। कर दिया ना ऊपर वाले ने इंसाफ, जला दी ना उनकी झोंपड़ी। ये ऊपर वाले का इंसाफ नहीं, इन सब लोगों की हरकत है। अरे वाह छोटे सरकार, आपने बड़ी जल्दी खुफिया खबर निकाल ली, आप तो बहुत बड़े CID है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक तो जानवर जैसी हरकतें करते हो, ऊपर से टहके लगा के हंसते हो, तुम लोग इंसान हो या जानवर? इंस्पेक्टर साहब ये सब क्या हो रहा है, पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? बिना सबूत के पुलिस क्या कर सकती है? जिसका हाथ कट गया वो कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से कट गया, जिनकी झोपड़ियां जल गई वो कहते हैं कि चूल्हे की वजह से जल गई। एक गवाह एक मुजरिम नहीं मिलता मुझे इस गांव में। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा जल्दी से यहां से ट्रांसफर हो जाए। FIR कर दो।
शक्ति इधर आओ। अस्पताल गए थे? जी बाबूजी। देख लिया भगवान के दर्शन भी कितने महंगे पड़ते हैं इस गांव में, अब तो समझ गए यहाँ का हाल। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी, और इससे पहले कि मैं और कोई भूल कर बैठूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचने की बजाय कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, तुम यहाँ से भाग जाने की बात सोच रहे हो? क्या ये बुजदिली नहीं है? जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान लेना कौन सी बहादुरी है बाबूजी? ये लोग इंसान है या जानवर जो हर मसले को मारकाट और खून खराबे से सुलझाना चाहते हैं? जिन्हें तुम जानवर कह रहे हो उनमें एक तुम्हारा बाप भी है। उस लिहाज से तो मैं भी हूं, मगर ये कोई गर्व की बात तो नहीं। और वैसे भी 200 साल पिछड़े इस गांव में रहकर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, पिछड़े हुए तो हैं हम, 200 साल या 500 साल ये मैं नहीं जानता, मगर तुम ही बताओ, जो लोग सैकड़ों सालों से गरीब और गुलाम हो, जिन्हें कभी आदमी तक नहीं समझा गया हो, वो अगर जानवरों की तरह बर्ताव करें तो इसमें अचरज की बात क्या है? तुम पढ़े लिखे हो, उनकी मजबूरियों को समझो और सोचो कि उनके सोचने का ढंग कैसे बदला जा सकता है। उसमें बहुत वक्त लगेगा बाबूजी। जो उन्हें देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, तब तक तो शायद मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने मरने की बात करते हुए? गुस्ताख, बदतमीज, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ी है तुमने? तुम साल भर के थे जब तुम्हारी मां का देहांत हो गया। मैंने तुम्हें पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिए। खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन तुम्हें पढ़ाने की खातिर ग्वालियर भेजा, लंदन भेजा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि जब तुम वापस लौटोगे हमें जीने का ढंग सिखाओगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि पढ़ाई लिखाई के बाद आदमी सिर्फ अपने लिए जीना सीख जाता है। अरे तुम कुछ भी करो, अपनी मर्जी से शादी करो, धंधा करो, लेकिन अपनी जमीन के लिए, अपने गांव के लिए अपने फर्ज को तो मत भूलो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबूजी, मैं गांव वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं और करूंगा भी, लेकिन यहां रहकर मेरा दम घुटता है। मुझे ऐसा लगता पता नहीं मैं कहां आ गया हूं। मुझे यहां से जाने की इजाजत दे दीजिए बाबूजी। मुनीम जी इधर आइए। अरे कहां मर गए सब? इनकी टिकट का इंतजाम करवा दो, साहबजादे जाना चाहते हैं। दो हफ्ते बाद ही करवा दूं सरकार? सुना मुनीम जी क्या कह रहे हैं? इधर आओ। कुछ दिनों के लिए अपने बाप के पास नहीं रह सकते, 20 दिन के लिए रुक जाओ, 15 दिन, 10 दिन। मेरा भी जी चाहता है कि तुमसे बातें करूं, तुम्हारी बातें सुनूं। तुम्हें देखने के लिए तरस गया था मैं, कौन जाने तुम दोबारा लौटो तो तुम्हारे बूढ़े बाप की आंखें खुली हो या बंद। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं बहुजी? मैं आपको छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं। बिजनेस के जमते ही मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। हां बाबूजी। नहीं,
ये काठी इस मिट्टी में पली है, इसी मिट्टी में जलकर मिल जाएगी। इस पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश भी मत करना शक्ति। आप मुझ पर भरोसा रखिए भाऊजी, मैं गांव वालों के लिए बहुत कुछ करूंगा। तुम्हारे सिवा और किस पर भरोसा रखो? इस घर में और है कौन सिवा तुम्हारे? जाओ। संभल के बेटा। पानी।